मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उपमा रेसिपी, विच इज़ अ वेरी फेमस साउथ इंडियन डिश, बट आजकल हर पूरी कंट्री में हर जगह उपमा पसंद किया जा रहा है। बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही कम टाइम में बनता है और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी डिश है। तो चलिए फिर हम देखते हैं उपमा बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें जिससे उपमा बनना है, रवा या सेमोलिना इसे कहते हैं, वो हमें चाहिए। मैंने बहुत ही फाइन रवा यहाँ पे यूज़ किया, बहुत ही महीन रवा और साफ। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो एक बार उसको स्ट्रेन करने के बाद ही सीव से आप यूज़ करिए, क्योंकि कभी कभी उसमें बहुत से डस्ट होते हैं। एंड वाटर, अगर और हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप उपमा बना रहे हैं और आपका एक कप रवा है तो आपके 3 से 3.5 कप पानी होने चाहिए, वाटर। एंड ऑयल, 1 टेबल स्पून ज़रा सा ऑयल मुझे चाहिए, रिफाइंड ऑयल है ये। तड़के के लिए राई एंड सिलेंट्रो यानी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती ये मैंने काट कर रखा है। एंड लेमन जूस, नींबू का रस, सॉल्ट ये आपके स्वाद अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड ग्रीन चिलीज़ ये मैंने बीच से इस तरह से इसे स्प्लिट कर रखा है, बीच से कट कर रखा है। आप चाहें तो इसे चॉप्ड करके महीन महीन वो भी मिला सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लुक का ध्यान दिया है। एंड अनियन, बहुत ज़रा सा हमें अनियन चाहिए, बहुत ज़्यादा अनियन की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 स्मॉल साइज्ड अनियन फाइनली चॉप्ड हमें चाहिए इसमें। एंड 1 पिंच, एक चुटकी हींग चाहिए हमें, वो भी ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड तड़के के लिए सबसे मेन उड़द दाल, ये जो ब्लैक लेंटल्स होती हैं उसको बिना अनकवर्ड किया हुआ जो होता है, यानी जो ऊपर की लेयर होती है आउटर लेयर ब्लैक कलर की, उसे हटाने के बाद जो दाल होती है वो उड़द दाल हमें चाहिए तड़के के लिए। तो बस इतनी सी हमारी इंग्रेडिएंट्स है, अब हम स्टार्ट करते हैं उपमा बनाना। सबसे पहले हम अपना फ्लेम जो है वो ऑन कर लेंगे एंड उस पर इस तरह की एक नॉन स्टिक कढ़ाई डाल देंगे। सबसे पहले क्या करना है उपमा बनाने के लिए, सबसे पहले जो हमारा ये रवा है सेमोलिना, ये हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना सा रोस्ट करना है कि इसका जो फ्रेगनेंस है वो रोस्टेड वाला आने लगे। हमें ब्राउन होने तक का रोस्ट नहीं करना है इसे। बस इसे इस तरह से स्टिर करते रहिए और ताकि बहुत ज़्यादा जले ना और अच्छी सी जो फ्रेगनेंस आने लगे एक रोस्टेड वाली, बस आप वहाँ पे अपना फ्लेम जो है वो टर्न ऑफ कर लीजिए और आपका रोस्ट हो चुका होगा, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। एंड सेमोलिना रवा, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, अपने ही फ़ायदे हैं, बहुत हेल्दी है, इसे डायबिटीज़ के लोग भी ले सकते हैं। हाँ, रवा हलवा बनता है उसे नहीं ले सकते, बट उपमा हो गया, रवा की इडली बनती है, ये सब डायबिटीज़ के लोग भी बड़े आराम से खा सकते हैं, उनके लिए हार्मफुल नहीं है। एंड इसमें आयरन, पोटेशियम पाए जाते हैं, कई सारे विटामिन जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर होते हैं। एंड हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही इसमें जो फाइबर्स होते हैं वेट लूज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब वो जो रोस्ट वाली फ्रेगनेंस होती है वो आनी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, और हमें इतना ही करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना था, बस रोस्ट ही करना था कि अच्छे से सारे सेमोलिना या रवा रोस्ट हो जाए। और ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं काफ़ी बेटर वे में, तो अब हम इसे अपना एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में इस रवा को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट लीजिए और उसमें आप अपना जो रवा है सारा वो ट्रांसफ़र कर लीजिए, रोस्टेड रवा। और अब इस रवा में आप ज़रा सा ऑयल लीजिए, अबाउट 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच ऑयल बस, और इसे फैला लीजिए आप चारों तरफ, ताकि जब आप रवा को इसमें भूने तो वो चिपकने ना पाए। इस तरह से, एंड इसमें हम सबसे पहले जो राई है हमारा वो ऐड करेंगे, और राई भी हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट
टू टीस्पून, दो छोटे चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से राई जब क्रैक होने लगे, ये जो आवाज़ आ रही है चट चट की, तब आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दीजिए। एंड हींग, उड़द दाल, ये ऐड करके एक बार अच्छे से सॉटी कर लीजिए। और इसके बाद फिर हम अनियन ऐड करेंगे इसमें। और हम बहुत से लोग होते हैं या जनरली इसमें तड़के में करी पत्ता पड़ता है, रवा में, आप रवा का चाहे ढोकला बना रहे हैं या टैक्सिंग में आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ज़रा सी अनियन थी, इसे भी मैं अच्छे से सॉटी कर लूँगी। और ये सब जब अच्छे से कुक हो जाएगा, हमारा टैम्पिंग एकदम तैयार हो जाएगा, तो हम इसमें अपना सेमोलिना ऐड कर देंगे। बहुत से लोग जो रवा का उपमा होता है इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, टमाटर एंड पीस, मटर, तो वो मैं सिंपल रवा का उपमा बना रही हूँ, वो मसाला उपमा होता है और वो उसमें मसाले एंड लॉट्स ऑफ वेजीज लाइक टोमेटो, पीस एंड कैरेट, ये सब यूज़ होता है, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। बट जैसे ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, कोई मसाले नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स फ़ायदा करने वाले हैं, लाइक ब्लैक लेंटिल्स एंड एसोफेटिडा यानी हींग एंड ग्रीन चिलीज, सेमोलिना, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बहुत ही हेल्दी डिश है। अब हम इसमें अपना जो ये रोस्टेड रवा है वो हम ऐड कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम अच्छे से सॉटी करेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद फिर हम इसमें वाटर ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारे तड़के के साथ। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, और वाटर मैंने कहा था जैसा स्टार्टिंग में कि अगर आपका 1 कप सूजी है तो आप उसमें 3 से 3.5 कप पानी मिलाएं। और इसके बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। और ये जो लम्ब्स पड़ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके स्टिर करिए, इस तरह से ही आपस में खुल जाएंगे। और अगर फिर भी थोड़े बहुत लम्ब्स रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ये इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लम्ब्स के साथ, इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन तब होती है जब आप हलवा बना रहे होते हैं या कोई और चीज़ रवा की बना रहे होते हैं उसमें। और अभी हम इसे छोड़ देंगे, अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, नमक यानी सॉल्ट हम ऐड करेंगे उस टाइम पर जब ये थोड़ा सा और कुक हो चुका होगा। ये इस तरह से लम्ब्स को हटा दीजिए, एक बार इस तरह से मैं कर दूं ताकि जो लम्ब्स हों वो हट जाए, और फिर जो थोड़े बहुत रह जाएंगे कोई बात नहीं उससे। बस अब इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, तब तक हमारा जो रवा है वो अच्छे से वाटर को अपने में अब्सॉर्ब कर लेगा। देखिए 2 मिनट बाद जब मैंने अनकवर किया तो ये कितने अच्छे से हमारा उपमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अबाउट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, मैं अबाउट 3 टीस्पून ऐड करूँगी। और ज़रा सी कोरिएंडर लीफ इस तरह से, और इसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार सॉटी कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और बस हमारा जो उपमा है बिल्कुल रेडी है सर्व करने को। हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेंगे।
बस हमारा उपमा एकदम रेडी है सर्व करने को, इसे हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो उपमा ऐसे डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक मोल्ड लें, और मोल्ड में आप बाउल ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, और उसमें आप अपना उपमा डालें और उसको टर्न ऑफ कर दें तो एक मोल्ड का शेप आ जाता है, वो भी थोड़ा और अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरह से, लाइक दैट ये हमारा मोल्ड है एंड इसमें मैंने अपना ये लिया उपमा, इस तरह से, और इसे फिर मैं थोड़ा सा बराबर कर लूंगी हर तरफ से, इस तरह से, ये हो गया। और अब मैं इसे यहाँ रखूंगी और प्लेट अपना लूंगी ऐसे, और ये मैं टर्न ऑफ कर लूंगी, बहुत गर्म है अभी, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद आप करें तो और बेटर है, इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ये अपने आप कटोरी से बाहर आ जाएगा। तब तक हम इसमें अपना सर्व कर लेते हैं उपमा। एंड हमारा बढ़िया टेस्टी डिलीशियस उपमा जो है हेल्थ से भरा हुआ, टेस्ट से भरा हुआ एकदम रेडी है। इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के लिए तो स्पेशली वो हमेशा कुछ नया खोजते हैं कि हाँ आज क्या है नाश्ते में, आज क्या है नाश्ते में। तो अगर आप उन्हें कुछ अच्छा हेल्दी एंड आपको पता कि हेल्दी है तो आप भी निश्चिंत रहेंगे, एंड हेल्दी टेस्टी आप दे रहे हैं तो आप भी खुश, बच्चे भी खुश, इससे बेटर और क्या होगा। ये हमने सर्व कर लिया उपमा, और इसे मैं गार्निश कर लूंगी थोड़े से कोरिएंडर लीफ से, इस तरह से, पर देखिए हमारा जो रवा उपमा है सेमोलिना या सूजी का वो एकदम रेडी, बढ़िया सा लग रहा है। तो ये अब हम इसको थोड़ा ठंडा हो गया, और ये आराम से देखिए निकाल लिया, आप चाहें तो और इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं धनिया पत्ती से, इस तरह से। अब आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए उपमा बनाइए हेल्दी एंड टेस्टी, आप चाहे तो इस तरह से सर्व करके गार्निश करिए, या चाहे तो इस तरह से सर्व करके गार्निश करिए, बात दोनों एक है, बस लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अगर दिखने में कोई चीज़ जो हेल्दी है और टेस्टी भी है और दिखने में थोड़ी अच्छी है तो प्लेट चट होने में टाइम नहीं लगता है, और सभी लोग बोलेंगे हाँ दिखने में अच्छा है चलो टेस्ट करते हैं, ऊपर से अगर टेस्टी है तो सभी खुश हो जाएंगे। इस तरह की रेसिपीज हम आपसे हमेशा शेयर करते रहेंगे, चाहे वो ड्रिंक हो, रेसिपीज डिश की हो या किसी भी तरह की हो, जो हेल्दी हो, टेस्टी हो और हाइजीनिक हो और हेल्थ एंड टेस्ट साथ में मिलती हो जिस रेसिपी में, इस तरह की रेसिपी। और अगर आपको हमारी ये उपमा पसंद आई है, चाहे ये या ये दोनों में कोई भी, तो इसको हमारे लाइक करिए वीडियो को, और कोई कमेंट है, सजेशन है या क्वेश्चन है वो भी हमारी कमेंट बॉक्स में पास करिए, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।